नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून के साथ साथ तमाम जिलों के एक समुदाय के द्वारा लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने की घटनाओं पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहाँ लफ्जियात जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। बाकायदा सीएम ने गृह और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके लफ्जियात की घटनाओं पर कंट्रोल करने के साथ ही जल्द से जल्द एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को सत्यापन अभियान को कड़ाई और तेजी के साथ चलाने के निर्देश दिए। दरअसल सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राज्य में पिछले 2 से 3 महीनों में लफ्जियात जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके लिए सरकार ने धर्मांतरण कानून लाने जैसे कदम उठाए हैं। दरअसल मामला लफ्जियात तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य में पिछले कुछ सालों में एक खास वर्ग के जनसंख्या में बदलाव से कुछ जिलों में डेमोग्राफिक और जियोग्राफिकल बदलाव भी हुआ है। दरअसल हैरान करने वाला मामला इसलिए भी है क्योंकि इस साल सिर्फ 5 महीनों में ही 48 मुकदमे राज्य में तमाम थानों में दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले पूरे साल में इस तरह के कुल 76 मामले सामने आए हैं। ऐसे में लगातार बढ़ते मामलों से राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखनी भी अब सरकार प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके के बढ़ते हुए मामलों में जनता में आक्रोश नजर आ रहा है, तो इसी मुद्दे पर होगी आज बात। लफ्जियात को लेकर हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल साथ होगा, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस आए हैं वो आपको सुनाते हैं। सुने, लफ्जियात के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई, इसके लिए पहले ही कहा है। और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी DGP पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। ऐसा है कि उत्तराखंड क्योंकि बहुत भाईचारे से सब लोग रहते हैं यहाँ पर और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने प्रकार के अपराध हैं, इस प्रकार की गतिविधियाँ हैं, वो किसी भी कीमत पर उसको नहीं यहाँ पर होने दिया जाएगा। इसके लिए आज सभी प्रकार के जो जरूरी निर्देश हैं दिए गए हैं। आप जो है लव जिहाद की या अन्य प्रकार के जो शब्द आप गढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है। आपकी सरकार 6 साल से इस राज्य में है, ये आपको याद रखना चाहिए। और राज्य में अगर कानून व्यवस्था का मामला है या कानून से जुड़ा कोई भी मामला हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? आखिर आप जो है कानून व्यवस्था को बिगड़ने क्यों दे रहे हैं या अपराधियों को मौका क्यों दे रहे हैं? ये आपकी नाकामी है। ये सीधे सीधे तौर पर प्रदेश के DGP को इसके लिए आपको बर्खास्त करना चाहिए, अगर नहीं संभल रही आपसे स्थिति। यदि मामला वास्तव में लव जिहाद का है तो कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है और ये अपने पैर भी पसार रहा है। लेकिन इसकी दूसरी ओर, इसका जो दूसरा कारण है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि लव जिहाद की आड़ में बेकसूर नौजवानों को भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर सख्त रुख अपनाया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस मामले को लेकर एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हो रहा है और इससे देवभूमि की जो पवित्रता है और साथ ही सीमांत राज्य होने के कारण यहाँ की सुरक्षा है, उस पर कई प्रकार के खतरे मंडराने लगे हैं। धर्मांतरण के धंधे पर धामी का ब्रेक है और सीधा सीधा साफ तौर से चेतावनी दे दी है कि उत्तराखंड में अब लफ्जियात के जो मामले हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। लफ्जियात करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, प्रशासन को निर्देश दिए, क्योंकि पिछले 5 महीने में 48 और पिछले 1 साल के डेटा को कंगाला जाए तो 76 ऐसे मामले सामने आए हैं लफ्जियात के प्रदेश भर में, जिसको लेकर राज्य में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद सख्त हैं। इसके साथ साथ लफ्जियात के जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर जनता में भी जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जनता का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हेमा भंडारी हमारे साथ इस वक्त, हमारा प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गई है हमारे साथ आम आदमी पार्टी की। बहुत स्वागत है हेमा जी आपका। बहुत जल्द हमारे साथ लखपत बुटोला जुड़ेंगे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन शुरुआत हेमा भंडारी आप ही के साथ, क्योंकि कैसे देखती हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि प्रदेश में अब लफ्जियात नाकाबिले बर्दाश्त होगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा लफ्जियात।
देखिए शिवम जी, देवभूमि उत्तराखंड में लव जिहाद के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वाकई बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो पिछले 2-3 महीने में लव जिहाद के जो घटनाएं आई हैं, तो बहुत तेजी में उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो है, मुख्यमंत्री धामी जी ने सख्त से सख्त कानून बनाने की बात भी कही है, और आम आदमी पार्टी का मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो पहचान, मूल पहचान को छुपाता है और किसी भी नाबालिग या महिला के साथ गलत संबंध रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे पहले हमें उन कारणों में जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ लगातार जो विकास के नाम पे जो बाहरी व्यक्ति आते हैं और वहां पर आके बस जाते हैं, उनका कोई उनका जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, वो होना बहुत जरूरी है कि क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं। और कुछ व्यक्तियों की वजह से हम पूरे समाज को या पूरे नौजवानों के साथ में दुर्व्यवहार, सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन जितने सख्त से सख्त कानून बनाए जाए उतना और बहुत जल्दी बनाने चाहिए इस पे, क्योंकि ये बहुत उत्तराखंड की बेटियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और 6 साल से लगातार सरकार में है, क्यों नहीं इस पर वो नहीं कदम उठाए गए सख्त से सख्त, क्यों नहीं जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है लोगों का, क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, ये बहुत शोचनीय विषय है। तो इसमें सरकार को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। ठीक है, शोचनीय विषय है, ऐसी घटनाएं सामने क्यों आ रही है। लेकिन हेमा भंडारी, अब मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया पुलिस के अधिकारियों को, प्रशासन के नुमाइंदों को, कि ऐसा प्रकरण सामने आए तो तत्काल एक्शन हो, कोई लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए, तो इसकी प्रशंसा करेगी आम आदमी पार्टी इस मंच से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी सही काम के लिए बिल्कुल उनके साथ है कि अगर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन उसकी आड़ पे आप बेगुनाहों के साथ में जो करें वो गलत है। बेगुनाहों के साथ में किसने किसने किया? कुंवर जपेंद्र सिंह, बेगुनाहों लव जिहाद के आड़ में बेगुनाहों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, कह रही है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह। बहुत सारे दल हैं वो लगातार बेगुनाहों को परेशान करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मुजरिम है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। इस तरह से उत्तराखंड के अंदर लव जिहाद के मामलों में तेजी आई है और वो मामले उजागर होने लगे हैं, और उजागर होने के बाद जांच में ये तथ्य जब निकलकर सामने आते हैं कि एक सोची समझी रणनीति और एजेंडे के तहत हिंदू युवतियों को, हिंदू बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर उन्हें विवाह के लिए विवश किया जाना और उनका धर्मांतरण किया जाना, ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। जाने अनजाने में अगर कोई चीज होती है तो वो उसका भाव अलग होता है, वो जांच में अलग तथ्य निकल कर सामने आते हैं, लेकिन जब सोची समझी साजिश के तहत गजवाए हिंद के तहत लैंड जिहाद की मूवमेंटों को बढ़ावा देना, लव जिहाद की मूवमेंट्स को मजबूत करना, एक योजनाबद्ध तरीके से उन युवाओं को तैयार करना और लैंड जिहाद के नाम पर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट देना कि आप जहां 2000 का किराया वहां 5000 दे दीजिए, 2 लाख के घर के 4 लाख दे दीजिए। और ये यहां में ये तथ्य समझना होगा कि जो पीरों फकीरों और आपका जो सूफी संतों का जो इस्लाम था वो कहीं बुरा नहीं है, कोई धर्म किसी का नुकसान नहीं करता, लेकिन जब कट्टरता आ जाए, अलगाववाद आ जाए, आतंकवाद आ जाए और उसमें इन सब चीजों को रणनीति के तहत आगे बढ़ाया जाए, जहां गजवाए हिंद की परिकाष्ठा सामने आ जाए, गजवाए हिंद के तहत योजनाएं बनने लग जाए, उसमें मदरसे और बाकी चीजें शामिल हो जाए और उसे एक कोल्ड वार के तहत उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए, तो ये तो उत्तराखंड में और देश में बर्दाश्त तो होगा नहीं। ये तो सीधा सीधा एक देशद्रोह है, एक सोची समझी साजिश है, एक रणनीति के तहत हिंदू परिवारों की बच्चियों की अस्मिता से खेला जा रहा है और बाद में उन्हें गायब कर दिया जा रहा है या उन्हें कत्ल कर दिया जा रहा है। आए दिन ये घटनाएं हम देख रहे हैं,
तो ये तो लव जिहाद है और ये सोची समझी, लेकिन ये लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले लोग कौन है? लव जिहाद, लैंड जिहाद, कुंवर जपेंद्र सिंह, लव जिहाद, लैंड जिहाद और इसके साथ साथ धर्मांतरण, इसको बढ़ावा देने वाले लोग कौन है प्रदेश में जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं? आपकी सरकार है, आपने आपकी जो सरकार की राज्य की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं इतना तो फाइंड आउट कर पाई होंगी आखिरकार कि इन सब चीजों को कौन बढ़ावा दे रहा है, कहां से इस पूरा ऑपरेटिंग हो रहा है सिस्टम का? चीजें फाइंड आउट हो रही हैं, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है और वो चीजें अगर फाइंड आउट हुई हैं तो सरकार के साथ साथ जनता भी फाइंड आउट कर रही है ना, इसीलिए ये आक्रोश नजर आ रहा है ना पर्वतीय जिलों में। पर्वतीय जिलों में ये आक्रोश आज से पहले क्यों नहीं नजर आया? ये पिछले 10 सालों से जो एक भूमिगत रूप से और बहुत शांत तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ाकर आज उसे मजबूती प्रदान की गई है, तो इसीलिए जनता में भी रोष है ना। ठीक है, हमारे साथ लखपत बुटोला प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है लखपत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप काफी देर से। जी आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा इनसे कि जवाबदेही किसकी है। जपेंद्र साहब तो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, मैं एक उदाहरण दूंगा, मैं इनकी थोड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं एक उदाहरण देना। आपने कहा कि इसके लिए जवाबदेही कौन है, लव जिहाद लैंड जिहाद को बढ़ावा कौन दे, ये भाजपा दे रही। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, जपेंद्र जी हंसी मत, मैं उदाहरण देता हूँ, आपके पूर्व दो बार के विधायक, पौड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष, आप सुनते हैं उनके लड़की ने क्या किया है, क्या किया आपने उन पर कार्रवाई? हंसने के बजाय आप ये बताओ कि जो आपके नेता कर रहे हैं वो क्या था, जनता ने वो क्या था करी है ना, सुनिए वो क्या था की जनता के, आप कहेंगे लव मैरिज, क्या क्या इसने आपने लखपत बुटोला का दिक्कत क्या है, जब सरकार कार्रवाई कर रही है, जब मुख्यमंत्री भूपेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ और कड़े शब्दों में कह चुके हैं कि लव जिहाद लैंड जिहाद प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो विपक्ष सियासत क्यों कर रहा है? सुन लीजिए लखपत बुटोला को, सुन लीजिए प्लीज प्लीज, कुंवर जपेंद्र सिंह लखपत बुटोला को सुन लीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए हाँ, और ये जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा 28 तारीख के इनके पूर्व विधायक और पूर्व इस समय नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी में, और लोगों ने जब सड़कों पे उतर के विरोध किया तो तब कार्ड कैंसिल करने पड़े, इन्होंने क्या कार्रवाई की उस लव जिहाद से, पहली बात है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री कहते मैं घोर निंदा करता हूँ, कठोर कार्रवाई होगी, मैं पूछना चाह रहा हूँ लैंड जिहाद करने वालों पे किस पे कार्रवाई, किस अवसर पे कार्रवाई हुई, किस नेता पे कार्रवाई हुई, जो ये बता रहे एक व्यक्ति बता दो जिस पे तुमने कार्रवाई की, एक एक नेता बता दो, एक अधिकारी बता दो, एक फॉरेस्ट का कोई जिन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर पूरे के पूरे स्टॉक के हजारों हजारों चीजें बना दिए, किस पे कार्रवाई की, केवल चैनल पे आके कहोगे कठोर कार्रवाई करेंगे, यही है तुम्हारे जुमले की 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर दे देंगे, ये जो जुमलेबाजी तुम लोग करते हो ना, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए जपेंद्र साहब, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे जपेंद्र साहब सुन लीजिए, अरे जपेंद्र साहब सुन लीजिएगा, अरे आप सुन लीजिए, ये चैनल पे आके कठोर कार्रवाई नहीं होती है, अरे सुन लीजिए ना, इनको कहिए सोनी साहब मुझे सुनिए, सोनी साहब जब मैं टीके सवाल कर रहा सुन लीजिए, पिछले 7 साल में उत्तराखंड के अंदर एक वर्ग 35% उसकी पॉपुलेशन बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, हिमाचल में इनकी सरकार थी, उत्तराखंड में इसकी सरकार है, 35% पॉपुलेशन के जिम्मेदार क्या सोनी साहब और लखपत बुटोला है? किसने सरकार में बैठे, आप सत्ता में किसने बैठे, कौन कार्रवाई करेगा? केवल टीवी चैनल पर कठोर कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई की आपने? इस तरह की घटनाएं कह करके बद्रीनाथ में नमाज पढ़ी गई, आपको पता है आज तुम्हारा विधायक होने के बाद जिस तरह से उत्तरकाशी घटना हुई उसके लिए कौन जवाब दे? उत्तरकाशी की जो घटना हुई, विधायक आपका, सभासद अध्यक्ष आपका, सारी चीजें आपकी, सुन लीजिए कौन जवाब दे इसके लिए? ठीक है कुंवर जपेंद्र सिंह, ये बात तो सही है कि वर्षों से सरकार तो आपकी की है ना सर प्रदेश में, सुन लीजिए, इनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये केवल है केवल वोट के अपीसमेंट के पॉलिसी सर, 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, सरकार आपकी के कुंवर जपेंद्र सिंह, तो ऐसे में कार्रवाई का दायित्व तो आपका है, लेकिन इन 10 सालों में लव जिहाद के मामले बढ़े हैं, एक सरकार के लिए गंभीर सवाल है। हाँ ठीक है, ठीक है, अब बताइए सर आप जवाब दिए,
कीर्तन होते हुए सुना कि वहां से मंदिर की मंडली गई और वो जो सद्भावना बढ़ाने का प्रयास है, सद्भावना बढ़ाने का प्रयास जिस तरह से मस्जिद के अंदर मंदिर वाले जाके कीर्तन नहीं कर सकते, मैं सारी चीजें आंकड़ों पे कह रहा हूँ सोनी साहब, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, आंकड़े इनके तरफ मैं पूरी विश्वास नहीं कर रहा, मैं आंकड़े दे रहा हूँ इलाकों में इनसे सवाल पूछा जाए अतिक्रमण और लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साहब ने क्यों बोले, क्या किया तुमने, क्या सद्भाव बढ़ाने केवल चैनल पे आके प्रेम बढ़ाने के लिए, अरे ये राजनीति छोड़ दीजिए, ये दंगे प्रसाद कराना छोड़ दीजिए, मंदिर में नमाज पढ़वाएगा देंगे जो महात्मा गांधी के अत्याचार को राज के अंदर भी तो आप क्या राजनीति की बात कर दीजिए, वहां ये हिंदुस्तान में आत्मा को छोड़ मारने वाले लोग हैं, अब जो इस्लाम की आत्मा को बर्बाद करने वाले लोग हैं, राष्ट्रपिता के हत्यारे को राष्ट्र प्रेमी कहते हैं, इनसे क्या क्या उम्मीद करते हैं, इनके इनके कौन जवाब देगा, इनके चैनलों पे आके भाषण देते हैं, जवाब नहीं देंगे, मैंने पूछा क्या नारायण नेताओं के कारण, अरे ये बढ़ाने वाले इनके बढ़ाने वाले कह रहे हैं, आज के हाथ में चला गया है लोग बन रहे, ये भाषा के लोग बताने वाले, समझना पड़ेगा 57 विधायक की बात है, इनके 47 के समय है, सारे के सारे बताने संरक्षण इनके लोग देते हैं, ये जो लैंड याद से लेकर लव याद से लेकर जो याद हो रहा है इनके संरक्षण का फर्ज पूरे और इनके जवाब देंगे नहीं, जवाब देंगे बचेंगे, ये कुछ करने वाले नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये जितने भी लैंड याद है इनका संरक्षण है, उनको जितना भी दिया गया जा रहा भाजपा के नेताओं का संरक्षण है, पिछली बार 57 विधायक थे, अभी हेमा भंडारी कौन लोग हैं, हेमा भंडारी कौन लोग हैं जो प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे लव याद हो गया, लैंड याद हो गया या फिर धर्मांतरण हो गया। सोनी जी देखिए, संरक्षण तो है, संरक्षण अगर प्राप्त ना होता तो लगातार जो आज बढ़ रहे हैं मामले हाँ। वो बढ़े ना होते और उस पर लगाम लगाई होती, लेकिन जैसे कि बार बार कहा जाता है, हर हर मामले के लिए कहा जाता है कि हाँ हम सख्त कदम उठाएंगे, ये करेंगे सरकार, अच्छा मतलब बोलने में तो अच्छा लगता है, हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि सरकार सच में सही कदम उठाएगी, लेकिन उठाए नहीं जाते। और जैसे कि मैंने बताया पहले कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कम पैसों के लिए लालच में जो ठेकेदार बाहर से लगाते हैं लेबर को, क्योंकि वो कम पैसों में काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो बाहर से उनका सत्यापन नहीं किया जाता, तो ऐसे मामलों पे भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे ठेकेदारों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों वो इससे, फिर बाद में क्या होता है कि वो लोग वहीं बस जाते हैं और वहीं बसने का सोचते हैं और फिर कभी नाम चेंज करके ऐसे करते, क्योंकि उनका सत्यापन तो होता नहीं है, तो इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कोबर जपेंद्र सिंह हेमा भंडारी ने कि बाहर से लोग आते हैं, उनका सत्यापन नहीं होता और फर्जी नामों से उत्तराखंड में बस जा रहे हैं, और वही ये लोग हैं जो धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं या धर्मांतरण की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है उनके द्वारा, या लफ्जियात की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये मजदूरी करने के लिए अन्य अन्य राज्यों से आते हैं, उत्तराखंड में डेरा जमा लेते हैं। सवाल मजदूरी या मेहनत करने का नहीं है, हाँ। इस प्रदेश के अंदर घुसपैठियों के रूप में, ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं पूरे उत्तर भारत के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, जो पिछले 8-10-12 सालों से अपनी जड़ें जमा चुके हैं, अब अगला निशाना जो है उत्तराखंड बन गया है, और उत्तराखंड के अंदर जो अलगाववादी और आतंकवादी मूवमेंट से संबंधित या उन्हें कहो उस मानसिकता के लोग, जिसे हम एक, हमें पहले गजवाए हिंद के कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, गजवाए हिंद के कॉन्सेप्ट में कोई सच्चा मुसलमान नहीं जुड़ा हुआ, ये सब वो मुस्लिम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है जो देश में रहकर देश का खाता है और गुणगान पाकिस्तान से करता है, ये इस्लामिक देशों से करता है और भारत को अपना दुश्मन समझता है, बाहर से उसका कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा वो कुछ नहीं बोलेगा, सरकार क्या कर रही है, लेकिन अंदर से देश विरोधी है, एक आदमी बता दीजिए किसको पकड़ा आपने, सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो संरक्षण देता है वो कांग्रेस देती है, और ये कांग्रेस आज से नहीं कर रही है, ये कांग्रेस 60 के दशक से कर रही है, जिसका धन बाहरी घुसपैठियों को लेकर 12 साल में सरकार ने क्या किया आपकी, 11-12 साल में बाहरी घुसपैठियों को लेकर कुंवर जपेंद्र सिंह सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए बताइए, तो 2000 मैं पूछ रहा हूँ कितने लोगों को पकड़ा इन्होंने, अगर यहाँ ये बच गए हैं तो किस लोग आई है, इसी प्रयास उनका जवाब सुन लीजिए लखपत बुढ़ोला साहब, प्लीज प्लीज लखपत जी, लखपत बुढ़ोला जी जवाब सुन लीजिए कुंवर जपेंद्र सिंह का, लखपत बुढ़ोला साहब प्लीज जवाब सुन लीजिए सर, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब दे रहे हैं, बहुमत वाली सरकार आने के बाद ये खुलासे हो रहे हैं और एक्शन हो रहे हैं,
इसीलिए कांग्रेस को इसकी पीड़ा हो रही है। कांग्रेस चन्नी है, कांग्रेस मुद्दों की चन्नी है। अरे सुन लीजिए जपेन साहब, जपेन साहब एक जवाब दीजिए, कितने रोहिंग्या को आपने उत्तराखंड में पकड़े, आंकड़ा दे दीजिए, कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा है सरकार, आंकड़ा देने क्या कर रहे हैं आपकी सरकार, सो रखी है, सो रखी है 56 इंच की सरकार, बताए ना कितने पे कार्रवाई की, आंकड़ा दीजिए ना आपने। अरे आप केवल सेना से आके कह रहे हैं बांग्लादेश से आगे रोहिंग्या यहाँ कितने लोग पकड़े, अरे बताए ना, ये बसाने वाले तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे लोग कर रहे हैं। और मैं आज भी कह रहा हूँ, सुन लीजिए, आज भी कह रहा हूँ, ये बताने का योगदान भाजपा का है, पूरी तरह से भाजपा इनको बता रही है, पूरी तरह से भाजपा के पैर में बच रहे हैं, पूरी तरह से भाजपा के दलित पैर में भाजपा की पॉलिटिक्स जो है इन्हीं के बीच बसी हुई है। ये हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ये लोग बन रहे हैं सोनी साहब, मैं आपके चैनल पे खुले तौर पे कह रहा हूँ, ये भाजपा का संरक्षण इनको है और पूरे के पूरे भाजपा के लोग बसा रहे हैं इनको, भाजपा के लोगों का संरक्षण इनको है। मैं आज भी तुम्हारे चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये सारे के सारे भाजपा के लोग नहीं होते तो कार्रवाई की होती आज तक, आज तक इन्होंने लोगों पे कार्रवाई की होती, इनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की होती। ये भाजपा का गठबंधन है और इस देश के अंदर भाजपा को राजनीति के खिलाफ कुछ नहीं दिखाई देता है। जो आरोप लगा इसका कुछ आधार है लखपत मंडल, आपने जो आरोप लगाया बीजेपी का गठबंधन है ऐसे आरोपों के साथ, इसका कोई आधार है या फिर हवा हवाई आरोप है? सुन लीजिए एक मिनट, जपेंद्र सिंह जी आरोपों का आधार सुन लीजिए ना, जपेंद्र जी आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका आधार क्या है एक बार वो सुन लीजिए, लखपत मंडल बता रहे हैं बड़े विस्तार से, इनसे सुन लीजिए ना जपेंद्र सर, जपेंद्र जी आपको फिर काउंटर करने में भी मजा आएगा, इनका एक बार आरोप का आधार सुन लीजिए कि आरोप का आधार क्या है। अरे भाजपा की मिली भगत से आ रही है, आप ही कह रहे हैं लखपत मंडोला कि सरकार का गठबंधन है इस तरह के आरोपियों के साथ, इस आरोप के पीछे आधार क्या है, तथ्य क्या है, ये बताइए। मैं बता ना, मेरे पास तथ्य है सोनी साहब। हाँ बताइए, मेरे पास तथ्य है, अगर 30 सेकंड देंगे तथ्य दूंगा। तथ्य दे रहे हैं सर, वो तथ्य दे रहे हैं, प्लीज प्लीज कुंवर जपेंद्र जी, कुंवर जपेंद्र जी सर वो तथ्य दे रहे हैं आपके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उनका तथ्य दे रहे हैं, तथ्य तो सुन लीजिए, आरोपों में कितना दम है। मैं तथ्य दे रहा हूँ ना, मैं आरोपों का तथ्य, मैं तथ्य दे रहे हैं, प्लीज प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज 2 मिनट के लिए प्लीज, कुपेल जपेंद्र साहब तथ्य दे रहे हैं वो आरोपों का, दीजिए दीजिए डाउन कीजिए कुपेल जपेंद्र सिंह। 1960 के बाद से जिस तरह से करती तो कुंवर जपेंद्र जी को डाउन करना था, लखपत मंडल तथ्य दीजिए। आपने कहा तथ्य क्या है, मैं तथ्य देता हूँ। हाँ। मैं आपसे उदाहरण, पहला उदाहरण मैंने पौड़ी का दिया, इनके पूर्व विधायक, इनके नगर पालिका अध्यक्ष, 2 बार के विधायक, क्या कार्रवाई की इन्होंने, कौन नेता था, इनका नेता था, किसने संरक्षण दिया इनके, ये भूमि को बदनाम किसने किया, इनके नेता ने। मैं दूसरा उदाहरण देता, पिछले 7 साल में 35% एक वर्ग उत्तराखंड में बसा, कौन जवाब दे, कौन जवाब दे, आप हमें जवाब दे सोनी साहब, कौन जवाब दे इसके लिए, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए यार, सुन तो लीजिए, मैं कह रहा 35% पॉपुलेशन इनकी बड़ी, कौन जवाब दिए सोनी साहब, में जवाब दिए कि सरकार जवाब दिए, कौन, ये मिले नहीं होते तो 35% पॉपुलेशन क्यों बढ़ती, ये तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ ना, और मैं इनके माध्यम से कह रहा, मैं तो आंकड़े के साथ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा जो पॉपुलेशन उधम सिंह नगर हरिद्वार और देहरादून का जो परिस्थितियां बदली, किसके सरकार में बदली है सोनी साहब, इसको समझना पड़ेगा। और 57 विधायक पिछली बार थे, 43 इस समय है, मैक्सिमम नगर पंचायत में नगर पालिका इनके लोग हैं, और क्यों ये लोग बस रहे, कौन जवाब दे, इनके लोग बसा रहे, ठीक है, आपने जो तथ्य दिए उस पर जवाब ले लेते हैं, आपने जो तथ्य दिए लखपत मंडल साहब, आप चुप रहिएगा, प्लीज सुन लीजिएगा उनका जवाब, सुन लीजिए, ठीक है सर, आपने 30 सेकंड मांगा, मैंने आपको 2 मिनट दी पूरा, आप कुंवर जपेंद्र सिंह का जवाब सुन लीजिए, मंडल साहब प्लीज सर सुन लीजिए, विपक्ष की यही दिक्कत है, विपक्ष सुनता नहीं है आजकल, 80% सीटों पे इनका कब्जा है, ठीक है जपेंद्र सिंह। लखपत मंडोला जी ने बड़ी होशियारी के साथ इसे राजनीतिक रंग देने का काम किया, जो हमें स्वीकार है, क्योंकि आप देंगे राजनीतिक रंग यही विपक्ष के रूप में आप आज तक करते आए हैं, पहले आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अब जब ये राजनीति के दरवाजे भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिए तो अब आप इस तरह की हरकतें करेंगे। हमें यहाँ ये समझना होगा कि 1960 के दशक के बाद से जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में घुसपैठियों को देश की सीमाओं के अंदर सुविधाएं देने का काम कांग्रेस ने करा,
वामपंथियों ने करा, क्योंकि कांग्रेस और वामपंथी तो कभी अलग थे ही नहीं। अनेकों बार ऐसे मौके आए कि इन्होंने राज्यों में और केंद्र में मिलकर सरकारें बनाई, तो वो इसलिए इनका आपस में जो गठजोड़ था वामपंथी विचारधारा का और कांग्रेस विचारधारा का, इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण को और मजबूती देने के लिए, सत्ता के लालच में, सत्ता पे अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जिस तरह से घुसपैठियों को एक नई जमीन दी, सुविधाएं दी, तो उस घुसपैठियों में 90% मुस्लिम घुसपैठिए थे और 10% अदर कास्ट या अदर उसमें रूट्स के घुसपैठिए थे। अब उसके बाद रोहिंग्यों का नंबर आया तो ये बड़ी शांति से उन्हें देश में फैलने देते गए, फैलने देते गए, फैलने देते गए। आज उन घुसपैठियों की दूसरी जनरेशन जब पैदा हो गई, क्योंकि 2014 से पहले तो भारतीय जनता पार्टी लखपत बोटोला ने जो आरोप लगाया उससे आम आदमी पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है। टाइम बहुत कम है सर, प्लीज। अभी जो बात कही थी, सवाल करे थे, तो बड़ी चालाकी से जो है जितेंद्र जी ने उन्हें घुमा दिया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनकी सरकार के ऊपर सवाल थे, इनको कैसे कंट्रोल में किया जाएगा, ये आने वाला जो उत्तराखंड में जो हो रहा है उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, इस पर कोई बस सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की बात चल रही है, उसके बाद जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तो ये घुमा फिरा के बात को, किसी भी बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया जो इनसे पूछा गया। और अभी इनको आरोप लगाने के लिए कह दो तो ये सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, ये कहें ना कि हाँ इस पे सख्त से सख्त कानून बन रहा है और अगर नहीं बनता है तो ये जवाब देंगे उसके कि क्यों ये संख्या बढ़ रही है, क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हेमा भंडारी जी। लखपत बुटोला साहब आपका शुक्रिया, और हमारे साथ जपेंद्र सिंह थे, कुंवर जपेंद्र सिंह आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो उत्तराखंड में जिस तरह से लफ्जियात के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तेजी के साथ सामने आ रहे हैं, उसी तेजी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लिए जाने की बात कही है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।